stand before you with the word of God this morning. और परमेश्वर की स्तुति हो कि आज आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के खड़े होने के लिए मेरे लिए एक सौभाग्य है. We were thinking about Luke, the chapter 22, and we had come to the close of chapter 22. और हम लोगों ने लूका रचि सुसमाचार उसका 22वां अध्याय देख रहे थे और लूका रचि सुसमाचार का 22वां अध्याय का आखिरी भाग में हम आ चुके हैं. And we read that portion where we see in 22 and 70, there's a question which is asked to Jesus Christ, art thou the son of God? और जब 22वां अध्याय में आते हैं तब वहां पर एक सवाल को पूछा गया है. वो सवाल यह है कि क्या आप परमेश्वर का पुत्र हैं? And we see very clearly Jesus giving a very emphatic, confident reply. Ye say that I am. और यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दृढ़ता और उसके साथ साथ धैर्य और हियाव के साथ वो जवाब को देते हैं, हाँ मैं वही हूँ. So he had the opportunity to tell everybody with the question that he was the son of God. और प्रभु यीशु मसीह के पास ये सौभाग्य थी और प्रभु यीशु मसीह के पास वो अवसर था. उस अवसर को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ. So in verse 71 we read, they said, what need we any further witness, for we ourselves have heard of his own mouth. और यहां पर हम लोग आखिरी पद में देखते हैं कि हमें और कौन सी गवाही बा गवाह का जरूरत है, किसकी गवाही की जरूरत है, हम उसकी मुंह से ही इस बातों को सुन चुके हैं. So they have kind of condemned the Lord Jesus Christ for blasphemy. और यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जो परमेश्वर का विरुद्धाचरण करते हुए विरुद्धाचरण कर रहा है करके उसके ऊपर बहुत बड़ी एक आरोप को लगाया है. The biggest problem was Jesus Christ had elevated himself from a status of a man to a divine status. और वो समस्या क्या थी? वो प्रभु यीशु मसीह, वो लोग सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति हो करके अपने आप को परमेश्वर का दर्जा दे रहा है, इतना ऊंचा कर रहा है. ये है सबसे बड़ी समस्या वहां पर थी. So we see that the Sanhedrin was the supreme court of the Jews. और यहूदियों के लिए सनहद्रीन 32 लोगों का एक न्याय सन होता है, एक झुंड होती है, वही झुंड ही उन लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट थी. He could never meet during the hours of darkness. और जो है उनका नियम के अनुसार वो सनहद्रीन जो एक जो 30 लोगों का एक झुंड है, ग्रुप है, वो लोग रात होने के बाद कभी भी एकत्रित नहीं होते, वो है नियम. That is why they held Jesus till the morning before they brought him before the Sanhedrin. और क्या हुआ? इसीलिए ही प्रभु यीशु मसीह को रात में ही पकड़ करके उसका सुबह के वक्त में उसके सामने जो है वो लोग प्रस्तुत कर सके. The court sat in a semicircle and everybody could see each and every other member. और जो है जो न्यायपालिका उन्होंने जो है आधा ब्रूत करके जो है वो लोग बैठ गए ताकि जो है एक दूसरे को सभी लोग देख पाए. Sentence of death could never be carried on the day on which it was given. और मेरे प्यारो, जिस दिन की उन लोगों को अनुमति दी जाती है उस दिन कभी भी मौत की सजा नहीं दी जा सकती. So we see the whole procedure was not keeping with their own rules and regulations. They broke the rules to kind of condemn the Lord Jesus Christ. मेरे प्यारों, वे लोग दूसरों का न्याय तो कर रहे हैं, लेकिन जो पूरी प्रक्रिया को यदि देखेंगे, वे लोग अपना ही खुद का नियम और कानून जो बनाए हैं, उन कानून का अनुसरण नहीं कर रहे. The Lord Jesus Christ was full of love, did not even receive simple justice.
और मेरे प्यारो प्रभु यीशु मसीह जो है क्या देख सकते हैं अपन, परमेश्वर का जो है प्रेम से परिपूर्ण थे और उनके ऊपर कोई भी क्या नहीं आना चाहिए, न दंड नहीं आना चाहिए। So we saw that the Roman government only could pronounce a death sentence, but the Sanhedrin could not do. So they put a spiritual color to it, saying that he claimed to be Son of God. That was his their main charge. और हम लोग देखते हैं कि वो यहूदी लोग किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दे सकते कानून के अनुसार, और सिर्फ और सिर्फ रोमी लोग ही मौत का सजा को दे सकते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक जो है षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र प्रभु यीशु मसीह को जो है ये परमेश्वर का पुत्र कह रहा है करके उसके ऊपर एक बहुत बड़ी आरोप लगा दिया। So we have seen that the governor at that time was Pilate, and the whole assembly rose up and brought Jesus to Pilate. और हम लोग देखते हैं उस वक्त का जो है न्यायाधीश शासनकर्ता पिलातुस था, इसीलिए पूरे के पूरे लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पकड़ करके उस जो है पिलातुस के पास वे लोग लेकर के आ गए। And when they came to Pilate, we see that what they accused him of. Verse 2, please, brother. और हम लोग देखते हैं 23 अध्याय दूसरा पद में जब पिलातुस के पास वे लोग लेकर के आते हैं तो कौन सी आरोप वे लोग लगाते हैं, आइए दूसरा पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। वे यह कहकर उस पर दोष लगाने लगे, हमने इसे लोगों को बहकाते और कैसर को कर देने से मना करते और अपने आप को मसीहा राजा कहते हुए सुना है। So here we know that these people are trying to get Jesus killed. So whatever Jesus told was give unto Caesar what is due to Caesar and give unto God what is due unto God. और हम लोग जानते हैं उनकी आरोप को देखो, और आरोप लगाने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह ने किया था जो कैसर को देना था उसको कैसर को प्रभु यीशु मसीह ने देने के लिए कहा था और दिया भी था। और हम लोग जानते हैं जो प्रभु का है उस परमेश्वर को भी उसका दिया था। So in Luke, what we see is that Luke actually portrays the political scheming of the Jews. और हम लोग देखते हैं लूका किस बात को चित्रण करते हैं, जो यहूदियों का जो राजनीतिक जो तंत्र था उस तंत्र को यहाँ पर वो चित्रण करते हैं। So his narrative differs from the other gospels. So the political and the theological angle is brought out from verses 1-5. और हम लोग देखते हैं कि दूसरा जो सुसमाचार लेखक है उन लेखकों से लू का जो है थोड़ा सा भिन्न तरीके से एक अलग तरीके से जो है यहाँ पर पेश करते हैं। और हम लोग देखते हैं कि शास्त्रिक और उसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर यहाँ पर लू का जो है प्रस्तुत करते हैं। So we will see today certain things which are only mentioned by Luke because we are surveying the gospel according to Luke. और आज हम लोग जो है इस बात को अध्ययन करेंगे जो लूका सिर्फ और सिर्फ दूसरे जो सुसमाचार लेखक है उन लोगों से कैसे वो अलग है, क्योंकि हम जो है सर्वेक्षण कर रहे हैं। So Pilate would not be kind of impressed by any charge like blasphemy, because blasphemy was something to do with the spiritual things of the Jews. और जो है ईश्वर का विरोध करना जो है उस पिलातुस को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि ईश्वर का विरोध करना एक आत्मिक बातें हैं, तो राजनीतिक को राजा के रूप में ये सब कुछ उसको जो है लेना देना कुछ बातें नहीं। So Rome was ruling Israel at that time, and because of that, these people tried to make Jesus Christ a political enemy and portray him as a political enemy of Rome. और हम लोग देखते हैं उस वक्त रोम के जो साम्राज्य है
इज़राइल को शासन कर रहा था और हम लोग जानते हैं कि उस वक्त प्रभु यीशु मसीह को ये यहूदी लोग कैसे एक राजनीतिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह विरोध कर रहा करके जो पिलातुस के सामने वे लोग प्रस्तुत कर रहे हैं. Just a few minutes earlier, he was accused of a spiritual crime, but now it's a political crime. और हम लोग थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि उसको जो है प्रभु यीशु मसीह को एक आत्मिक आरोप लगा रहे थे, एक आत्मिक बहुत बड़ी जो है एक आरोप लगा करके प्रभु यीशु मसीह को कह रहे थे, अभी राजनीतिक आरोप के लगा रहे हैं और एक दोष करके बता रहे हैं. So they had nothing to say about blasphemy to Pilate, but they made up a story that he was against Caesar. और हम लोग देखते हैं कि जो है राजनीतिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह कोई गलती ही नहीं की थी, लेकिन फिर भी पिलातुस को भी लोग कहते हैं कि इसने कैसर का विरोध किया है. There were threefold charges against the Lord Jesus Christ before Pilate. और पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को जो है तीन गुना व तीन तरीका का आरोप लगाया था. First one was we found this fellow perverting the nation. First charge. और ये लोग कहते हैं ये व्यक्ति उसने बा हम लोगों ने इसको बहकाते हुए पाया है. Second charge. He did not encourage men to pay tribute to Caesar. He forbid to give tribute to Caesar. Second charge. और दूसरी गलती प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, वो कैसर को कर देने से लोगों को बहकाया है, उन्होंने नहीं दिया है कर, कर देने के लिए प्रोत्साहन भी नहीं किया है. And the third part was Jesus Christ assumed the title king, which was against the authority and rulership and the emperor Caesar from the Rome, from a Roman Empire. So, हम लोग देखते हैं तीसरी आरोप वे लोग लगा रहे हैं भी अपने आप को राजा करके कहता है जिसको कि जो रोमी और वहां के राज्य के खिलाफ की बातें हैं. So these were the most calculated and malicious lies in their brain which started and in their desire to eliminate Caesar. Jesus. मेरे प्यारो इन लोगों का एक बहुत बड़ी जो है साजिश है. वो साजिश क्या है ना प्रभु यीशु मसीह को ये सब आरोप लगा करके जो है प्रभु यीशु मसीह को दूर करना चाहते थे, वो उखाड़ करके फेंक देना चाहते थे. Pilate was an experienced Roman official and he saw through them and he did not have any desire to gratify their wishes. So, हम लोग जानते हैं पिलातुस एक बहुत बड़ा जो अनुभवी एक शासक था और क्या है ना उन लोगों का आरोप को जो है उन लोगों को तृप्त करना नहीं चाहा. क्यों? क्योंकि वो सब तंत्रों को वो समझ रहा था. So, but he did not want to offend them also. लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो उन लोगों को जो है दुख भी देना नहीं चाहता. So then he tried to do another trick in his bag, so he sent Jesus to Herod. और उसने क्या किया? एक बहुत बड़ी के उसमें एक तंत्र खेला. वो तंत्र क्या है? इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जो है हेरोद के पास भेज दिया. But before he did that, he pronounced his verdict. I find no fault in this man. और जब हेरोद के पास भेजने से पहले पिलातुस ने ये कह दिया इस व्यक्ति के अंदर मैं कोई भी गलती नहीं पा रहा. But before that, Jesus was asked a question, art thou the king of the Jews? And Jesus answered, thou sayest it. और उस वक्त जो है हम लोग देखते हैं कि पिलातुस एक सवाल को पूछा, क्या आप यहूदियों का राजा है? तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह कहते हैं हाँ तुम जो कहते हो वही है. Verse 5, they became more fierce. और पांचवा पद में हम लोग देखते हैं कि वे और दृढ़ता से वे लोग कहने लगे. And he stirred up the people. और हम लोग देखते हैं सारे के सारे जो है वहां पर सभी लोगों को भड़काने लगे. He stirred up the people spiritually, not politically.
और वहां पर हम लोग देखते हैं कि आत्मिक तौर पर लोगों को नहीं भड़काया, वहां पर जो है सांसारिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर उन लोगों को जो है उकसाया. So then he was sent to Herod, who was actually the ruler of Galilee. And when Pilate came to know that he was a Galilean, he immediately thought that he should send him to Herod, who was in town. और जब हेरोद को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह गालीली की है, तो जो है उसने तुरंत हेरोद के पास भेजना चाहिए, क्योंकि वहां का शासक जो है हेरोद है, इसीलिए वहां पर उसको भेज दिया गया. So Herod was actually a curious person. He wanted to see a miracle. और हेरोद एक बहुत बड़ा जो है जानने का एक जिज्ञासा बा उत्साह रखने वाला व्यक्ति था, और वो हर समय एक अचंभा कार्य को बा चमत्कार को वो देखना चाहता था. And he started gazing at Jesus. Verse 8, when Herod saw Jesus, he was exceedingly glad. और हम लोग देखते हैं आठवां पद में, जो प्रभु यीशु मसीह को हेरोदोस ने देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हो गया, खुश हो गया. And what happened is he was desirous of seeing him for a long season. He was actually waiting to see this miracle man. और वो काफी दिनों से ये आश्चर्य कर्म करने वाला व्यक्ति को वो देखना चाहता था, यीशु मसीह को देखने की बड़ी चाहत थी. He wanted to see the magician in Jesus. और प्रभु यीशु मसीह में हेरोदोस ने एक जादूकर बा एक मैजिक करने वाला व्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहता. If you see verse 9, he questioned him with him in many words, but he answered him nothing. हेरोदोस ने तरह तरह का प्रश्नों से भर दिया, हजार तरह का प्रयास किया, प्रश्न पूछा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक भी जवाब उस प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया. What happens if you ask somebody in your family, say 10 questions and they answer nothing? और यदि एक परिवार में आप सोच करके देखो, किसी व्यक्ति को आप जो है 10 सवाल पूछें और वो एक भी जवाब ना दे. So let's take an example. I ask my wife 10 questions and she answers me nothing. और आप सोच करके देखो कि मेरा जो है अंकल बोलते हैं कि उनका वाइफ को 10 सवाल भी पूछें और फिर वो जवाब बिल्कुल भी ना दे तो. So what will you come to a conclusion if there is no answer for 10 questions? और कौन सी आप जो है अंतिम ये मंतव्य में पहुंचेंगे बा जो है अंतिमता में आप पहुंचेंगे कि 10 सवाल पूछा गया और जवाब ना दे तो. What will you understand? आप क्या समझेंगे? Okay, you don't understand. Okay, you understand, but now if you say something, you know, maybe you will have problems. So don't answer. So I'll answer. You think that there is something wrong, right? और जो है आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन आप सोचेंगे जरूर कि कोई ना कोई तो गड़बड़ी है, कोई ना कोई तो समस्या है. And you in verse 10, all the high priests with all their high priestly robes and the scribes stood and vehemently accused him. और हम लोग देखते हैं जो प्रधान याजक लोग थे, शास्त्री लोग थे, खड़े हो करके बहुत ही वो लोग क्या करने लगे ना, दोष लगाने लगे प्रभु यीशु मसीह पर जो है, सबके सब आरोप लगाने लगे. Our high priest is silent. He is a person who intercedes between you and God the Father. That is what he does. Not like these earthly priests who is always vehemently accusing, and the person who vehemently accuses is just following their father Satan. So mere pyaro, hamara jo mahayajak hai wo shant ka mahayajak hai, kabhi bhi dusre ki upar aarop nahi lagate hain, lekin sansar ke is duniya ke jo mahayajak ko dekhe to dosh ke upar dosh jo hai haro ve log laga rahe hain. And we see that the first point, Herod regarded Jesus as a sight to be gazed at.
लेकिन यहां पर हम लोग इस बात को देखते हैं कि ऐसा एक परिस्थितियों को, ऐसा एक समय को उसने खड़ा किया ताकि सभी लोग उसको देखें। But Jesus was not a sight to be stared at, but he was a king to be submitted to. So, मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा सिनारियो नहीं था, बस सीन थी तो उसको देखें, बल्कि प्रभु यीशु मसीह वो राजाओं के राजा है, उस राजा के सामने सब लोग समर्पित हो जाए, दंडवत करने लगे। There was a famous Greek teacher who used to complain that people from all over the world came to listen to his lectures and to stare at him as if he was a famous statue, but not to accept and obey his teaching. So, मेरे प्यारों, एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध शिक्षक था एक समय में, उसके सामने जो है वे लोग आ करके क्या करते थे ना, बैठ करके उसका लेक्चर को, उसकी शिक्षा को ना सुन करके उसके ऊपर जो है आरोप लगा गए और उसको देखने लगे। Jesus is not a figure to be gazed at, but he is a master to be obeyed. So, मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह कोई चित्र नहीं है उसको देखा जाए, बल्कि वो एक महान मालिक है, वो जो है गुरु है, उस गुरु की बातों को सुन करके आज्ञा पालन करे। Number two, Herod regarded Jesus as a joke. He jested at him. He put a king's robe as an imitation king and he refused to take Jesus seriously. So, मेरे प्यारो, दूसरी बातों को हम देख सकते हैं, हेरोद जो है प्रभु यीशु मसीह का ठट्टो में उड़ाया, उसने क्या किया ना, प्रभु यीशु मसीह को एक राज वस्त्र ला करके पहना करके उसको जो है क्या किया ना, उसको ठट्टो में उड़ाया। The third thing is that if you see verse 11, Herod with his men of war set him at naught and mocked him and arrayed him in a gorgeous robe and sent him again to Pilate. So, हम लोग 11 पद को यदि हम लोग देखें, तो उस 11 पद में इस बात को हम लोग देख सकते हैं, वो उन्होंने क्या किया है कि हेरोदोस ने अपने सिपाहियों के साथ जो है उसने क्या किया ना, प्रभु यीशु मसीह को अपमान करके ठट्टो में उड़ाया, और जो है इस बात को हम लोग देखते हैं कि उसको पिलात उसके पास जो है उस वस्त्र को पहना करके लौटा दिया। You know, when somebody is set to naught, it's written here, he was set at naught. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं किसी को जो है के उसको वस्त्र को बांध करके उसको भेजा गया। So, when you say that he set him at naught means, what does naught signify? It signifies zero. और जो है जो उसमें नोट का मतलब जो गठान होती है उसको उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब शून्य है। एंड व्हेन समबडी ट्रीट्स यू एज नथिंग, इट इज द मोस्ट बिगेस्ट इंसल्ट यू कैन गिव टू अ पर्सन विदाउट रिस्पेक्टिंग हिम। और किसी को यदि आप जीरो मतलब कुछ भी नहीं समझते हैं तो उसका सबसे बड़ी अपमान है। So Herod was secure in his position as king and he believed that the Galilean carpenter did not matter. और जो है उस वक्त हेरोद जो है बहुत बड़ा सिंहासन पर कुर्सी में बैठा हुआ है, ताकतवर राजा के रूप में बैठा हुआ है, यहाँ पर जो एक बढ़ाई का बेटा उसको अपमान कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं समझ रहा है। So there are many who still consciously or unconsciously have come to the conclusion that Jesus does not matter. So, मेरे प्यारो, हम लोग जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम ऐसे मुकाम पर आ जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। They give him no room in their hearts and they allow no influence of Jesus Christ in their lives. तो मेरे प्यारो, प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जो है स्थान ही नहीं देते और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में कोई महत्व नहीं देते। So Jesus Christ, who is the most important person in the universe, was set at naught. He was set to zero. The infinite Son of God was made zero, and he sent him back again to Pilate.
सो हम लोग देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं के राजा महान परमेश्वर को उसको शून्य कर दिया और जो है उसको पिलातुस के पास भेज दिया गया. And this is a very specific point which is not mentioned in other gospels. और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं, वो बिंदु की दूसरे सुसमाचार में नहीं बताया गया है. So the friendship between two enemies happened that day because of Jesus Christ. और हम लोग देखते हैं कि दोनों दुश्मनों के बीच में एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी, उन दोनों के बीच में दोस्ती होता है. And from 13 verse to 25th verse, this is an amazing portion. और 13 पद से 25वां पद यदि हम लोग देखेंगे, एक बहुत महत्वपूर्ण पदों को भागों को हम लोग देख सकते हैं. And he said, "You have brought me this man as one who seduced the people, and I have examined him in your presence, and the accusations which you have charged him, I found nothing in this man to condemn." और हम लोग देखते हैं कि पिलातुस इस बात को कहता है, तुम ऐसे व्यक्ति को मेरे सामने तुम लेकर के आए हो, उस व्यक्ति के जीवन में कोई भी गलती मैं नहीं पाता. Look, you nothing deserving death has been ever done by him, and I will therefore do something. I will scourge him and release him. और देखो इस व्यक्ति ने कोई भी गलती नहीं की है, मौत की सजा पाने का कोई लायक ही नहीं है, इसीलिए चलो ठीक है तुम्हारी बातों को मैं सुन करके उसको मैं कोड़े मार करके छोड़ देता हूँ. See, even Herod has sent him back to me. He has not pronounced a judgment, and neither do I. और अब देखो कि जो है मैंने मेरे को तो कोई दोष उसके जीवन में दिखाई नहीं, और फिर बाद में जब हेरोद के पास भी भेज दिया उसका उसके उसने भी कोई गलती इसके जीवन में नहीं पाया, तो मैं भी नहीं पाता हूँ. And the word is chastised, which you see in verse 16, that is what Pilate said he will do to Jesus. मैं हम लोग देखते हैं कि जो दंड दे करके मैं पिटवा कर मैं छोड़ देता हूँ, तो वही बात को हम लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं. So there was no political offense as they were accusing him, and Pilate absolved him of any political offense against Rome or Caesar. हम लोग देखते हैं राजनीतिक तौर पर प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं की थी, कोई जो है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर कोई आरोप ही नहीं लगा सकता, इसीलिए पिलातुस भी जो है राजनीतिक तौर पर कोई भी दोष नहीं पाए. So the legal innocence of Jesus was proved. और यहां पर हम लोग देखते हैं राजनीतिक तौर पर व नियम के अनुसार प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कोई दोष नहीं पाया गया, उस प्रमाण को हम यहाँ पर देख सकते हैं. Innocency does not insulate a person from slander. So मेरे प्यारों, कोई भी व्यक्ति यदि इनोसेंट है या फिर क्या कहते हैं उसको? निर्दोष है. हाँ, कोई निर्दोष है उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाप नहीं कर सकता व कोई गलती नहीं कर सकता. But that does not absolve him from slander. That can always, if you are a right person, but still anybody can slander you. और आप निर्दोष है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति दोष नहीं लगा सकता. लोग जरूर दोष आपके ऊपर लगा सकते हैं. Yeah, so we find that this innocent man was slandered much more than any man of all the things which he never ever thought or never ever did. So mere pyaro, wo nirdosh vyakti jinhone kabhi apne jeevan mein koi galti nahi ki, unhone bahut sare aaropon ko saha, aaropon ko suna, jo ki jo vyakti apne jeevan mein kabhi socha hi nahi na kiya hai, fir bhi un aaropon ko usne seh liya. And they cried out with intensity, "Away with this man and release unto us Barabbas." और वे लोग क्या करने लगे, बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला करके रो रो करके वो लोग कहने लगे, इस व्यक्ति को सजा दो
और वो बरअब्बा को छोड़ दो करके वो लोग पुकारने लगे. एंड दे वेंट अहेड आस्किंग फॉर अ पर्सन हु वाज गिल्टी ऑफ मर्डर हु वाज कास्ट इन प्रिजन टू बी फ्रीड एंड टू क्रूसीफाई द लॉर्ड. So, हम लोग देखते हैं एक हत्या की आरोपी जो बंदी गृह में वो पड़ा हुआ था उस व्यक्ति को आजाद करने के लिए वे लोग कह रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष व्यक्ति है उसको मौत की सजा देने के लिए वो लोग गुहार लगा रहे हैं. Here we find the governor advocating for Jesus. Why? What evil has he done? Verse 22. और 22वां पद में वो शासनकर्ता बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह के तरफ से कहते हैं कि क्यों उसको मौत की सजा दी जाए क्योंकि उस क्यों वो क्या कुछ गलती किया है क्या. So second time he is saying I'll chastise him and let him go. और दूसरी बार वो कहते हैं वो पिलातुस कहता है मैं उसको सजा दे करके दंड दे करके पिटवाई लगवा करके मैं छोड़ देता. एंड व्हेन यू क्राई लाउड justice is getting denied. So mere pyaro aap dekhiye zor zor se yadi chilla karke kehne lagoge to wahan par jo nyay hona tha wo sahi tarika ka nyay hona tha us nyay ko aap inkar kar rahe hain. So this Jewish mob coerced the experienced Roman governor into sentencing Jesus to death. और हम लोग देखते हैं वो यहूदी लोग जो है क्या कर रहे हैं फिर बाद में आरोप के ऊपर आरोप चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे इसीलिए वो रोम का जो शासनकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मौत की सजा देने में मजबूर हो जा रहा है. You may be wondering why Pilate, you know, how did he change his mind finally because of the pressure. He had made two grave mistakes in his governance of Palestine. और पिलातुस जो है क्यों मजबूर हो गया कि प्रभु यीशु मसीह को ऐसी मौत का सजा दे और उन लोगों की बातों को वो मानने लगा क्योंकि पिलातुस ने अपने जीवन में दो पलिस्तियों में दो गलती की थी. So one is that he had killed certain Galileans who had risen up because they refused to have any image in Jerusalem. और कुछ ऐसे गलील के लोग थे उन लोगों को उसने मार डाला था जिन्होंने की उठ करके खड़े हुए कि यरूशलेम के अंदर कोई मूर्ति स्थापित ना हो इसीलिए उन्होंने विरोध किया था इसलिए उसने मार डाला था. So second thing is that he had taken money from the temple treasury which we have read in chapter 13 verses 1 to 4. और उसने और भी क्या किया है न उस मंदिर से उसने मंदिर का जो कुबेर था भंडार था उस भंडार से उसने पैसा भी लिया है और उस बात को हम लोग 13 अध्याय 1 से 5वां पद में हम लोग पढ़ चुके हैं. So that was used to make a new water supply with the money taken from the treasury of the temple. और हम लोग देखते हैं उस मंदिर का जो भंडार था उस भंडार से पैसा लेकर के उसने पानी जाने का एक कैनाल उसने बनाया था. So they were telling Pilate, we will report this to Caesar. If you release this man, you are not Caesar's friend. We read that in John 19 and 12. और हम लोग इस बात को देखते हैं यूहन्ना रचित उसका 19वां अध्याय 12 पद में यदि आप यदि इस व्यक्ति को यदि छोड़ दोगे इसको यदि मौत की सजा नहीं दोगे तो हम लोग इस बात को जो कैसर है सीजर है उसको हम लोग इस बात को बता देंगे. This shows a grim truth that a man's past can rise up and confront him and paralyze him. This is what happened to Pilate. So, मेरे प्यारो एक व्यक्ति का अतीत जो है उठ करके खड़ा हो जाता है अतीत के गलतियां उठ करके खड़ा हो जाता है और उसका विरोध करने लगता है और उसी बात को ही हम लोग पिलातुस का जीवन में देख सकते हैं. We should take care not to allow ourselves any conduct which will cause us to say or make people say you of all men have no right to speak like this. So, मेरे प्यारो ऐसा जीवन ऐसा परिस्थितियों को हमारे सामने आने ना दें
ताकि जो है कोई आपके ऊपर आकर के आरोप ना लगा पाए, तुम कौन होते हो मेरे ऊपर ऐसी बातों को कहने वाले। इस बात को बोलने के लिए हमारे मुंह में ऐसी बोली होना चाहिए। He sacrificed justice rather than lose his post. और हम लोग देखते हैं कि अपना जो न्याय को ही उसने बलि चढ़ा दिया अपने आप को बचाने के लिए। But his past made him a coward, and then he sentenced Jesus Christ. और क्या हुआ ना, उसका अतीत ही उसको डरा दिया, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को उसने सजा दी थी। So their voices prevailed over justice, and verse 24, Pilate gave sentence that it should be as they required. और हम लोग देखते हैं उनकी आवाज और बुलंद होते गए ही इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को सजा देता है। और 24वां पद में हम लोग देखते हैं, अतः पिलात उसने आज्ञा दी कर उसकी विनती के अनुसार किया जाए करके उसने ऐसा बोल करके प्रभु यीशु मसीह को मौत का सजा देता। Let us read verse 25 with a lot of reverence. आइए 25वां पद को बड़े आदर के साथ इन पदों को हम लोग पढ़े। उसने उस मनुष्य को जो बलवे और हत्या के कारण गृहबंदी डाला गया था और जिससे वे मांगते थे छोड़ दिया, और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार सौंप दिया। So we see that the will of whatever they want, he delivered Jesus to their will. और मेरे हम प्यारों, इस बात को हम लोग देखते हैं कि उनका इच्छा जो था उस इच्छा के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को सौंप दिया गया। And he began carrying his cross, his own cross. और देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपना ही क्रूस उठा करके चल पड़ा। And in verse 26 we see a Simon, a Cyrenian, coming out of the country. On him they laid the cross that he may bear it after Jesus. और हम लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति आता है शिमोन जो कुरेनी था, वो आकर के उस समय आ रहा था, इसीलिए उन्होंने उस कुरेनी, उस शिमोन को पकड़ करके उसके ऊपर क्रूस को ला देते हैं ताकि उस प्रभु यीशु मसीह का क्रूस को उठा करके वो चले। When Jesus sank beneath the weight of his own cross, the Roman centurion looked around for someone to carry it out of the country into the city. There came Simon from Cyrene, which is modern Tripoli. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को ऊपर क्रूस लाद करके वे लोग के ले जाने का प्रयास करवा रहे थे, लेकिन वो कुरेनी आता है, वो ट्रिपोली का अभी वर्तमान में वहां का व्यक्ति को जो है वो लोग क्रूस को लाद करके ले जाने के लिए कहते हैं। Suddenly Simon, who was watching all this, became the carrier of the criminal's cross. और हम लोग देखते हैं जो सिमोन की उस दृश्य को वो देख रहा था, वो दृश्य देखने वाला व्यक्ति को क्या किया गया ना, उस जो क्रूरता का क्रूस को मक्रूस को उठा करके ले जाना पड़ा। Mark describes Simon as the father of Alexander and Rufus in Mark 15:21 and let's read Romans 16:13. और हम लोग देखते हैं मार्कुस जो है 15 अध्याय में जो कहते हैं कि वो रूफस का पिताजी है। आइए रोमियो का पत्री उसका अंकल वंस अगेन रेफरेंस रोमियो 16:13 प्लीज 16:13 रोमियो उसका 16 अध्याय 13 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। Somebody else can also help, please. रूफस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसको और उसकी माता को जो मेरी मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। Oh, see, you see Simon's family there. Read Rufus, his son, eminent in the Lord, also his mother. And mine.
और मेरे प्यारो यहाँ पर देखो उस सीमोन का परिवार को, वह सुमन का परिवार को हम लोग देख सकते हैं। उस परिवार में क्या है, उसकी बेटा जो रूफस है वो भी प्रभु यीशु मसीह में प्रसिद्ध हो गया है, और हम लोग देखते हैं उसका माँ मेरे माँ भी है करके पौलुस कहते हैं। And we see that his mother also was so dear to Paul that he could call her his mother in the faith, and Rufus was in the Roman church and he was a choice Christian. और हम लोग देखते हैं कि जो है प्रेरित पौलुस रूफस का माँ को आत्मिक माँ के रूप में अपना माँ उन्होंने बना लिया है, और रूफस उस रोम का कलिशिया में एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। Now let us go and consider the death of Christ. और आइए हम लोग यहाँ पर आकर के प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु को आप थोड़ी देर देखें। So the doctrine of his death is very important, and we know that first of all it was foretold by God. और प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके मृत्यु के विषय में सबसे पहले भविष्यवाणी की गई थी। Isaiah 53:8 says he was cut off out of the land of the living. और ऐसा या उसका 53वां अध्याय में इस बात को हम लोग देखते हैं, उस जमीन से उसको जो है उखाड़ करके फेंक दिया गया था, बकार डाल दिया गया था। Daniel 9:26 says very clearly after 62 weeks the Messiah shall be cut off not for himself. और हम लोग दानियल उसका 9वां अध्याय 22वां पद में आगे हम लोग यदि पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में आता है कि जो मसीहा वो भी जो है काट दिया जाएगा, कि वो अपना ही गलती के लिए नहीं बल्कि लोगों का गलती। Zechariah 13:7 says smite the shepherd and the sheep shall be scattered. So all these were foretold by the prophets and by the inspiration from God. और ज़करिया का पुस्तक में भी इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो है उस चरवाहा को तुम मार दो तो जो है वो भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगे। And the second point was his death was appointed by God. और उसकी मृत्यु जो है परमेश्वर की योजना के अनुसार स्थापित किया गया था। Can we read Acts 2:23? आइए हम लोग प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय 23वां पद को पढ़ लेते हैं। Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, you have taken and by wicked hands have crucified and slain. यहाँ पर इस बात को हम लोग पढ़ सकते हैं, उस यीशु को जो परमेश्वर की ठहरा ही योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, और तुमने अधर्मियों के हाथ में क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। Now let's come to point three, the meaning of his death. और आइए तीसरी बातों को हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह का मौत का अर्थ क्या है। There are many words which we use, and I will take all these verses of each of these qualities of and the meaning of his death, and we will just go through that very quickly. बहुत सारे ऐसे पदों को प्रभु यीशु मसीह की मौत के लिए हम लोग जो है लेते हैं, उन पदों को मैं बहुत जल्दी लेकर के कुछ बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। So first is Romans 5:11. Somebody can take that. And the word is atonement, which is used 77 times, which means a covering for sin in the Old Testament. Romans? Romans 5:11. और रोमियो उसका 5वां अध्याय 11वां पद जो है वहां पर देखते हैं प्रायश्चित का। वो प्रायश्चित जो है करीबन 77 बार जो है परमेश्वर का वचन में इस्तेमाल किया गया है। 77 times in the Old Testament, but occurs only once in the New Testament. और 77 बार जो है पुराने नियम में उसको इस्तेमाल किया गया है, लेकिन एक ही बार नया नियम में रोमियो का पुस्तक उसका 5वां अध्याय 11वां पद हम लोग। The second word is propitiation. 1 John 2:2. He is the propitiation for our sins. और पहला यूहन्ना उसका पहला वंजन वन वर्स टू 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 ओके दूसरा अध्याय दूसरा पद में हम लोग देखते हैं कि प्रायश्चित का पद को हम लोग देख सकते हैं। नंबर थ्री इज सब्स्टिट्यूशन और तीसरी बात है हमारे बदले
आइडिया ऑफ वन टेकिंग द प्लेस ऑफ अनदर, और उसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति का जगह में दूसरा व्यक्ति आना. द इनोसेंट जीसस क्राइस्ट टेक्स द पनिशमेंट ऑफ बरबस, और प्रभु यीशु मसीह जो निर्दोष है और बरबस का जगह को वो प्रभु यीशु मसीह लेते हैं. John 10:11 says the good shepherd giveth his life for the sheep. और जो यूहन्ना उसका 10:11 में ऐसा कहा गया है, जो अच्छा चरवाहा बहुत सारे लोगों के लिए अपना प्राण को देता है. Then the fourth word is redemption. Redemption. और चौथा जो शब्द है वो है उद्धार व छुटकारा. The sinner in bondage is brought back to God and brought back with a certain purchase price. और एक पापी जो है अपना गुलामी में रहता है, उस गुलामी में उसको कोई मोल दे करके प्रभु यीशु मसीह में लाया जाता है. Peter says in 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19, you have not been redeemed with the corruptible things of as silver and gold, but with the precious blood of Christ. और पत्रस जो है उसका पहला अध्याय में इस बात को 18 और 19 पद में इस बात को कहते हैं, तुम लोग जो है इस संसार के बहुमूल्य वस्तु सोने या चांदी या लोहवान से नहीं खरीदे गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से तुम मोल लिए गए हो. And the next word is reconciliation. और अगला शब्द जो है मेल मिलाप. God and man were enemies, but now are made friends. Reconciliation. और प्रभु और जो है मनुष्य, सबसे पहले हम लोग इस बात को देखते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अभी वे लोग दोस्त बन गए. Romans 5:10, we read, we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, Jesus' death on the Calvary reconciled God to man. और मेरे प्यारो रोमियो उसका 5:11 में हम लोग देखते हैं कि हम परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के कारण आप और मैं परमेश्वर के साथ दोस्त बन गए. So the next meaning of his death was ransom, the price paid for the release of a prisoner, the one who was kidnapped by sin. और हम लोग देखते हैं जो है अगला शब्द जो है मोल लिए जाना व खरीदे जाना, जो उसका मतलब क्या है, एक व्यक्ति पापों में जो है वो डूबा हुआ था, लेकिन जो है वो क्या होता है, उस बंधन से वो छुटकारा पाता है. You know how a kidnapped person people ask for ransom and ransom is paid. So Matthew 20:28 says, the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life as a ransom for many. और आप लोग जानते हैं एक किडनैप किया हुआ व्यक्ति रंगा कैसे मांगता है, फिरौती कैसा मांगता है, वो फिरौती जो है हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों का सेवा पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह सेवा करने के लिए आए. So the meaning of this death, we saw 6 points. One was atonement, second was propitiation, third was substitution. और जो है 6 बातों को हम लोगों ने देखा. पहला है प्रायश्चित करना, दूसरा है दूसरों के बदले जो है अपना जान को देना. First was atonement. और पहला है प्रायश्चित. Second was propitiation. Now atonement is a different word. Propitiation is prayaschit. And third is substitution. Atonement. What would we can listen? Romans 5:11. आइए हम लोग रोमियो 5:11 पढ़ लेते हैं. Atonement means prayaschit. So that is what I was telling. Yeah. Okay. So what is propitiation? Okay. दूसरी बात है जो है प्रायश्चित करना. So third is substitution. Actually, here atonement means mail karana hua hai. Yeah, okay. And there are shades of meaning. I wanted to say that atonement and propitiation is, atonement is like covering. Propitiation is, you know, it's like, that carries the thought of a mercy seat of God. Okay.
सो हम लोग जो है देखते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर ने हमको मेल कराया, दूसरी बातों को हम लोग देख सकते हैं कि प्रायश्चित कराया, थर्ड वन इज सब्स्टिट्यूशन, फोर्थ इज रिडेम्पशन, और तीसरी बात है प्रभु यीशु मसीह जो है आपके और मेरे बदले मर गए, और चौथी बात वन सेकेंड रिडेम्पशन, रिडेम्पशन और हमको छुटकारा दिया, एंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज रिकंसिलिएशन, एंड द सिक्स्थ वन इज रैंसम, और हम लोग इस बात को देखते हैं कि मेल कराया, और छठवीं बात जो है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए जो है एक बलि या एक कीमत चुकाया. So this mode, now we'll go come to his mode of his death. He died by crucifixion. और वो किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह मौत को सहा था? वो क्रूस पर मर करके उस मौत को सहा था. So we saw Moses lifting up a serpent in the wilderness. अब हम लोगों ने इस बात को देखा कि मूसा जो है उस मरुभूमि में एक सांप को जो है वो एक लाठी पर बा एक जो एक खंबा पर टांगते हैं. We read that in Numbers 21 and verse 8. और उस बात को हम लोग गिनती का पुस्तक उसका 28वां अध्याय 8वां पद में पढ़ सकते हैं. And the writer to the Hebrews writes in 12:12, he endured the cross, despising the shame. और हम लोग देखते हैं इब्रानियों 12 का 12 में वो प्रभु यीशु मसीह सब जो है दोष और अपमान को सहते हुए उस क्रूस को उसने सहा. It was a cursed death because Galatians 3:13 we see that cursed, he was made a curse for us because cursed is everyone who hangeth on a tree. और हम लोग इस बात को देखते हैं वो एक श्रापित मौत को उस प्रभु यीशु मसीह ने सहा, क्योंकि गलतियों का पति उसका तीसरा अध्याय 13 पद में देखते हैं जो व्यक्ति यदि लाठी पर बा जो है एक कांट पर टांगा जाता है वो एक श्रापित व्यक्ति है. The next point was his death was voluntary. और उसकी मृत्यु जो है वो स्वेच्छा से उस मौत को प्रभु यीशु मसीह ने सहा. He volunteered to die for us. He was not forced by anybody to do it. और प्रभु यीशु मसीह को कोई जोर जबरदस्ती मरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया था, लेकिन अपने आप को जो है मरने के लिए वो समर्पित हो गया था. John 10:18 says, No man taketh my life from me, but I lay it down of myself. और जो योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 18 पद में हम लोग देखते हैं कोई भी व्यक्ति मेरे प्राण को छीन नहीं सकता जब तक मैं अपने आप को मेरे प्राण को देने के लिए समर्पित नहीं करता. So, what was the reason for his death? और प्रभु यीशु मसीह का मरने का उद्देश्य व कारण क्या था? Why did the sinless one have to die? और जो निष्पाप व्यक्ति को मरने की आवश्यकता क्या है? We can understand how a guilty person will have to die as a result of sin. और हम जानते हैं कि एक दोषी व्यक्ति जो है अपना पाप के परिणाम के वजह से उसको मरना है. Jesus took our sin and died to satisfy the justice of a holy God. और प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर ले करके मर गए क्योंकि वो न्याय परमेश्वर को बहुत तृप्त करना चाहते थे. Sin demanded a payment, the death penalty. और मौत जो है क्या था बा जो पाप मौत को चाह रहा था और उसका दंड बा उसका सजा जो है वही है. And only Christ could pay it in full. और मेरे प्यारो उस जो कीमत को प्रभु यीशु मसीह ही पे कर सकते थे, प्रभु यीशु मसीह ही सह सकते थे. So what is the result of his death? Let's turn to 1 Timothy chapter 4 and verse 10 where it says, Who is the savior of all men, especially of those that believe. 1 Timothy 4:10. और पहला तिमोथियस उसका चौथा अध्याय और हम लोग 10वां पद को हम लोग पढ़ लेते हैं. वहां पर हम लोग देखते हैं चौथा अध्याय 10वां पद, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवित परमेश्वर पर है जो सब मनुष्य का और नीज करके विश्वासियों का उद्धार करता है. And let me ask you one question. Is it not possible to transfer guilt from a guilty one to an innocent one? क्या मेरे प्यारो एक जो है दोषी व्यक्ति का दोष को निर्दोष व्यक्ति को सौंप दिया जाए, ये क्या संभव है कि नहीं?
Human courts punish only the guilty one. मेरे प्यारों, हर समय मनुष्य क्या करता है? जो व्यक्ति दोषी है, उस दोषी व्यक्ति को ही सजा देता है। But imagine this. लेकिन इस बात को आप सोचिए। A substitute was punished on our behalf. लेकिन सोचिए, हमारे बदले जो व्यक्ति आपके और मेरे लिए दंडित हो गया। I say, surely he has borne our griefs and carried our sorrows. और जो है आयशया भविष्यद्वक्त इस बात को कहते हैं, जो हमारे दुख उठाने के लिए वो व्यक्ति पैदा हुआ था, हमारे गुनाहों को उसने सह लिया। He was wounded for our transgressions. और हमारे गलतियों की वजह से उसकी जो है चोट लगी। He was bruised for our iniquities. और हमारे जो है गुनाहों की वजह से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया, कूटा गया। The chastisement of our peace was upon him and by his stripes we are healed. और मेरे प्यारो, उसके जो है दंड की वजह से, उसके कोड़े खाने से हम लोग जो है चंगे हो गए। Peter says, by whose stripes you are healed. और पत्रस इस बात को कहते हैं, उसके कोड़े खाने से जो है तुम चंगे हो गए। The one who suffered was not mere man, he was God man. 1 Timothy 2:5. और पहला तीमोथी उसका दूसरा अध्याय पांचवा पद में हम लोग पढ़ते हैं, जो व्यक्ति की मौत की सजा को उसने सह लिया, वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वो परमेश्वर और जो है मनुष्य परमेश्वर था। And his visage was marred more than any man. और मेरे प्यारो, हम लोग देखते हैं उसकी सजा, उसकी जो है कष्ट, वो कोई व्यक्ति से बढ़ करके था। So we conclude that the death of Jesus Christ is sufficient for every sinner. और हम लोग इस बात को आते हैं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो है हर एक पापी के लिए काफी था। He died for your sins and particularly for my sins. मेरे प्यारो, वो हर एक व्यक्ति का पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, और व्यक्तिगत रूप में कहूं तो मेरे पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया। And he was numbered among the transgressors. और प्रभु यीशु मसीह को उन दोषियों के नाम से जाना गया, उन दोषियों के नाम में भी प्रभु यीशु मसीह का नाम को गिना गया। You see those three crosses. और आप लोग देख सकते हैं उस तीन क्रूस को। If a man is crucified in the middle, it signifies that he was the worst of them. और आप लोग, यदि कोई व्यक्ति को बीच में यदि वो क्रूसर्पित हुआ है, तो जो है जितने सारे दोषी हैं, सब दोषियों से महान दोषी है करके गिना जाता है। The pain of that process was terrible, but it was not enough to kill, and the victim was usually left to die of hunger and thirst beneath the blazing heat of the sun. मेरे प्यारो, वो जो है क्रूस का मृत्यु निर्दोष व्यक्ति के लिए आसान नहीं था, बहुत कष्ट और दुखदायक था। कोई व्यक्ति यदि मरना है तो भूख और प्यासे और दर्द से वो मरे, इसीलिए उस क्रूस पर उसको लटका करके छोड़ देते थे। There was an inscription of the cross. He was the king of the Jews in three major languages, Hebrew, Greek, Latin. और जो है वहां पर जो तीन भाषाओं में प्रभु यीशु मसीह का जो है यहूदियों का राजा के रूप में लिखा गया था, एक तो ग्रीक बा यूनानी भाषा, दूसरा यहूदी भाषा, और तीसरा जो है लैटिन भाषा। We will see the significance in the next class, but then let me close by saying Jesus said many wonderful things. और अगले बार जो है इस बात को हम लोग उसकी महत्वता को देखेंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को उस क्रूस पर कहा। But nothing is more wonderful than his prayer, Father, forgive them. और जो है, और जितने बातें प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस प्रार्थना से बढ़कर के और कोई बातें नहीं थी, वो है पिता उन लोगों को माफ कर दो। Christian forgiveness is an amazing thing. माफ करने का है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चमत्कार बात है। When Stephen was being stoned to death, he too prayed, Lord, do not hold this thing's sin against them. Acts 7:60. और प्रेरितों के काम उसका सातवां अध्याय साठवां पद में हम लोग देखते हैं, स्टीफन ने इस प्रार्थना को प्रार्थना किया था, हे प्रभु, इनकी गलतियों का सजा मत देना। Let's close by reading Ephesians 4:32. Be kind to one another.
आइए एक पद को हम लोग पढ़ करके समाप्त करें। एफिसियों का पत्री उसका पांचवा अध्याय, वंस अगेन अंकल रेफरेंस 4:32 और चौथा एफिसियों उसका चौथा अध्याय 22वां पद को हम लोग पढ़ लें। यहाँ पर ऐसा लिखा गया पिछले चार, पढ़िए ब्रदर, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो। 4:32 चौथा अध्याय 32वां पद। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराधों को क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध को क्षमा करो। Thank you, brother. Today you'll meet all kinds of unpleasant people. They'll hurt you, injure you, insult you. But you cannot live like that. मेरे प्यारों, आज बहुत सारे ऐसे लोगों को आप मिलेंगे, वो लोग कि आपको जो है दोष लगाएंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन आप जो है ऐसे नहीं बनना है। So you are a man in whom the spirit of God dwells. और आप एक ऐसा व्यक्ति है, आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा वास करता है। So when the spirit of God dwells in you, we are Christ's men and women, and we must forgive as He forgave. और परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर मेरे वास करता है, तो हम एक ऐसा मनुष्य बने, दूसरों को माफ करने वाला व्यक्ति बने। So we'll close here. Let all these things about the death of the Lord Jesus Christ captivate our hearts. और यहाँ पर आज हम लोग समाप्त करेंगे उस प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु जो है आपको और मेरे हृदय को बहला दे। We will continue this class and close Luke. By next Tuesday. Thank you for the patient listening. Wonderful translation. All brothers and sisters in Christ, greetings and God bless you all. Thank you. और अगले बार में हम लोग जो है इस भागों को पढ़ करके लूका को समाप्त करेंगे और फिर बाद में जो है हम लोग इसको समाप्त की ओर जाएंगे। जितने सारे भाई बहन जुड़े उनके लिए मैं धन्यवादी हूँ। Thank you so much, dear uncle, for your wonderful message. Yes, the death of Jesus Christ has captivated us, and especially to me. And I hope those who have heard the message, definitely they are captivated. I hope. Prabhu, आपको आशीष करे ये सुंदर समय। आपने अपना कर्म क्षेत्र में रहते हुए भी प्रभु का वचन शिक्षा देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने अच्छा संदेश दिया। और हम जो मसीही लोग हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह दूसरों का अपराधों को गुनाहों को माफ किया था, वैसे ही हमें भी एक दूसरे को माफ करके अपना जीवन को इस संसार में व्यतीत करें। वो निर्दोष व्यक्ति आपके और मेरे लिए वो दोषी बन करके क्रूस पर चढ़ गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हमारे जीवन को उस प्रभु यीशु मसीह में हम भी जो है समर्पित कर दें। और बहुत सारे लोग दोष लगा सकते हैं, लेकिन हम उनके जैसा ना बन करके एक माफ करने वाला व्यक्ति बनके हमारा समय को इस संसार में व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल, आपने बहुत सुंदर संदेश को दिया है। आज शाम को ब्रदर डेविड मैकलिन होंगे जो प्रकाशित वाक्य को हमें अध्ययन कराते हैं, तो उनसे हम आज परमेश्वर का वचन को आज शाम को हम लोग अध्ययन करेंगे। वो एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। और आज का सभा को, आज का मीटिंग को हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। वे प्रार्थना करने के लिए भाई कौन है, रोशन पासवान ब्रदर है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, वो प्रार्थना में हमको प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते प्रभु जी, आप उनके दयावान करुणामय है, आप ही महाराजा अधिराज है प्रभु जी, आप ही त्रेक परमेश्वर प्रभु जी, आप ही सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप परमेश्वर प्रभु जी महामहिमान विराजमान है प्रभु जी, अति शीघ्र आने वाले हैं प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद जी आज की सुबह के लिए प्रभु जी, आज के एक दिन प्रभु जी आपने जो जोड़ दिया प्रभु जी, आज के दिन जीवित रखा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते जी। धन्यवाद जी आज के वचन के लिए प्रभु जी, जो वचन आपने हमें दिया प्रभु जी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी मतलब विजू जेकब के लिए प्रभु जी, आपने भी आत्मा की भरपूरी दी प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी आपने आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु जी उन्होंने वचन हमें वचन से सिखाया प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके बदर को आप बोताया आशी दे प्रभु जी,
उनके परिवार को बताया शिवज जी, तो जो मेहनत उन्होंने किया प्रभु जी, तो उनका मेहनत प्रभु जी व्यर्थ नहीं जाए प्रभु जी। वो जी जो वचन सिखा रहे प्रभु जी, हम वचन जो सीख रहे प्रभु जी, एक वचन सुन के एक कान से दूसरे कान में निकालने ना हो प्रभु जी। पर जो आपके जो वचन है प्रभु जी, आपके वचन को पायु जीवन में लागू करने वाले प्रभु जी, इन बातों में हमारी सहायत मत लीजिए। परिवार को बोझी उन्हें बहुत आशीर्वाद परिवार को, आपकी दया आपकी करुणा आपके आशीष अनुग्रह पूरे परिवार से सब बनने बोझी। धन्यवाद भाई शिविर को भी आपने ट्रांसलेट कर जो टैलेंट दिया पूजी, ये टैलेंट पूजी आपकी ओर से मिला पूजी, हम आपको धन्यवाद पूजी। जो भाई की जो सेवा है पूजी, भाई सेवा भाई को बहुत आशीर्वाद जी, भाई की हरी इज्जत बोझी आप स्वर्ग प्रार्थना। जो भाई ने लीड जो करे थे बोझी उन्हें भी बहुत आशीर्वाद जी। हमारे साथ जुड़े भाई को धन्यवाद पूजी। जो भाई बहन लोग आज किसी कारण से जुड़ नहीं पाए जी, उन्हें बहुत आशीर्वाद जी। तो शाम की जो मीटिंग है पूजी, शाम की मीटिंग को पूजी हम आपके हाथों में सौंपते हैं पूजी। पूजी शाम की मीटिंग में पूजी ज्यादा लोग मीटिंग में जुड़ सके पूजी, और सबको आशीष का कारण हो पूजी। पूजी जो एमपी पूजी बीबीएस का जो प्रोग्राम चल रहा पूजी, बच्चों का जो चल रहा पूजी, जो भाई लोग कार्य में पूजी, उनको जो आने से उनको महिमा का इस्तेमाल पूजी। जो बच्चे वचन सीखते हैं पूजी, जो गाने सीखते हैं पूजी, आने से उनके जीवन बदलाव आए पूजी, उनके बदलाव देखे, उनके जो माता पिता है प्रभु माने पर प्रार्थना, उनके माता पिता के उद्धार और प्रार्थना विनती पूजी। जो हमारे भाई बहन लोग जो भी भाई लोग हैं पूजी प्रोग्राम कर रहे पूजी, रंजीत बदर को पूजी और जितने भी भाई लोग सबको बोझ बताया आशीर्वाद प्रार्थना विनती पूजी। आपने प्रार्थना सुना पूजी, हम आपको धन्यवाद पूजी। अब तक अपने संभाला आगे पूजी, आपके कार्यों के भलाई करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद जी। सारा आदर स्तुति मैं आपको देते छोटी प्रार्थना परमेश्वर आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह नाम से मानते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच भाई रोशन पासवान, प्रभु आपको आशीष करे। एंड थैंक यू सो मच डियर बिजू एंड भाई फॉर योर वंडरफुल टाइम एंड वंडरफुल मैसेज, गॉड ब्लेस यू। भाई बहन जितने सारे लोग जुड़े हैं, सभी लोगों को प्रभु आपको आशीष करे, सभी को जय मसीह की। आज बीबीएस होगा, उस बीबीएस के लिए भी आप लोग प्रार्थना। सभी को जय मसीह, सबको जय मसीह, जय मसीह की, सभी को जय मसीह, जय मसीह की, जेकब सर जय मसीह की, शिविर प्रधान जय मसीह की, जय मसीह की ब्रदर, जय मसीह की, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह की, जय मसीह की। राजेंद्र दा जय मसीह की, सभी को जय मसीह, रंजीत सर जय मसीह की, सभी को जय मसीह की, जय मसीह की सबको, जय मसीह की शिविर भाई, जय मसीह की रंजीत भाई मसीह की।